जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, ओम मृत्युंजय महादेव त्राही माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय उमा रमा ब्रह्मानी, जय जय सीता राधा रुक्मणी, जय जय कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के पास में रोजाना कुछ हिंदू सनातनियों के प्रश्न आते हैं। हमको जब भी समय मिलता तब उन प्रश्नों का विधिवत जवाब देते हैं। तो आज का प्रश्न यह है कि क्या गर्भवती महिला को व्रत करना चाहिए और यदि गर्भवती महिला या फिर कह लीजिए कोई पत्नी पूजा करने में या व्रत करने में असमर्थ है तो उसके व्रत जो है पति को पूरे करने चाहिए क्या? क्योंकि कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, कुल परंपरा के अनुसार उन कुल परिवार में मनाए जा रहते हैं उन त्यौहारों को, तो उनको हम बंद नहीं कर सकते। तो इस संबंध में धर्म क्या कहता है, उनका ये प्रश्न है। एक बार वो प्रश्न को समझ लेते हैं कि क्या गर्भवती महिला को व्रत उपवास करना चाहिए जो कुल धर्म परंपरा के अनुसार है, और दूसरा ये है कि यदि पत्नी बीमार रहती हो या छोड़ करके चली गई हो या अपने मायके में रहने चली गई हो या तलाक हो गया हो या वो स्त्री पूजा व्रत करने में असमर्थ है तो उसके जो व्रत होते हैं स्त्री के द्वारा किए जाने वाले व्रत क्या पति को करने चाहिए? क्योंकि जो त्यौहार मनाए जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं कुल परंपरा के अनुसार उनको हम बंद नहीं कर सकते, तो क्या इस संबंध में धर्म क्या कहता है? तो गर्भवती महिला को व्रत उपवास नहीं करना चाहिए यह शास्त्र कहता है, क्योंकि गर्भवती महिला के गर्भ में एक और आत्मा का वास हो जाता है और गर्भवती महिला को अपने समय के अनुसार, क्योंकि उस बच्चे को जो आने वाला है उस बच्चे को पोषण देना होता है, तो बच्चे को पेट में होने की वजह से स्त्री को भूख ज़्यादा लगती है गर्भवती स्त्री को, और जब भूख लगती है और यदि वो भूखी रहेगी तो जो पेट में पल रहा है बच्चा वह भी भूखा रहेगा। तो नियम ये कहता है कि गर्भवती स्त्री को बार बार थोड़ा थोड़ा भोजन, कई बार भोजन करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में गर्भवती महिला को कुल परंपरा के अनुसार यदि कोई व्रत उपवास करना पड़ता है और यदि वो नहीं कर पाती है तो कोई दोष नहीं लगता है, इसलिए गर्भवती महिला को व्रत करना कंपलसरी नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि कोई स्त्री यानी पत्नी व्रत पूजा करने में किसी भी कारण से असमर्थ है कि वो पूजा नहीं कर सकती है, तो क्या उसके बदले में पति व्रत कर सकता है? क्योंकि परंपरा का तो पालन करना होगा कुल परंपरा के अनुसार। तो यदि कोई स्त्री अपने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, गोली दवाई लेने की वजह से, अस्वस्थता की वजह से, यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर के अपने मायके में या अलग कहीं रहती है उसकी वजह से, या उसका पति से तलाक हो जाए उसकी वजह से, वो उस कुल परंपरा का पालन नहीं करती है, तो उसके बदले में व्रत उपवास पति कर सकता है। कुल परंपरा का निर्वाह करने के लिए पति को उसके एवज में उपवास भी करना है और कुल देवी देवता की पूजा भी करना है। परंपराओं को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुल परंपरा कुल देवी देवता के द्वारा और पितृ देवता के द्वारा निर्धारित होती है।
जय माता दी, जय मां कामाख्या।